हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऊपर तो आप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया ही होने चाहिए। तो अभी गाइज मैं आपके सामने लेकर आऊँ एक बहुत ही लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू गाड़ी, जो कि इस टाइम 2023 में सबसे लेटेस्ट चल रही है। एंड वो बाइक आपके सामने कुछ देखिए ऐसी लगती है। तो ये है आपकी बजाज पल्सर N160, जो कि भाई प्योर ब्लैक फिनिश के साथ है एंड इसमें हल्का सा ग्रेज का टच दे रखा है। एंड गाड़ी को भाई कह सकते हैं कि एक तरह से, मतलब गाड़ी के बारे में मैं प्रॉपर नॉलेज मेरे को नहीं है, बट गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरह से मॉडिफाई भी किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जितना हो सकता है मैं एक एक चीज़ छोटी छोटी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में। अपने एक ग्रुप के एक भाई की गाड़ी है ये, तो जैसे कि बजाज पल्सर N160 है। तो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं इसमें आपको मॉडिफिकेशन जो हुआ, इसमें LED इंडिकेटर लगाए गए हैं एंड इसकी LED मतलब जो DRLs हैं इन पर भी रेड कलर का रैप किया गया है। ये इसके जो प्रोजेक्टर्स है ऐसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है इसमें। एंड ये 164 cc का आई थिंक सिलेंडर कुछ इसमें ऐसा है, 160 बोलते हैं बट 164 की समथिंग है। एंड आपको ये आई गेस 15 समथिंग का कुछ पावर आपको प्रोवाइड करती है। एंड इसमें आपको 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। ओवरऑल इसकी जो भी चलने की कैपेसिटी मैं कह सकता हूँ तो 600 तक ये चल सकती है। माइलेज जो कंपनी इसका क्लेम करती है वो 45 की समथिंग क्लेम करती है। तो आपके चलाने पर 45 अगर आपको दे रही है तो आप आराम से 45 नहीं तो 45 निकाल सकते हैं, कि भाई 160 के हिसाब से 45 आपको ही दे सकती है गाड़ी, ठीक है। बाकी और बात करें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सस्पेंशन की बात किया जाए तो सस्पेंशन इसमें अपने वही इंडियन वाले मिलते हैं, जैसे इंडिया के लिए बेस्ट रहते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो मिलते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं इंडिया के लिए। ये USD फोक्स इतना अभी मैंने कहा था इंडिया के लिए बेस्ट, तो वो उसमें मिलते हैं। एंड इसमें आपको मिलता है अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं। एंड इसमें आपको मिल भी जाता है डुअल चैनल ABS। सो गाइस आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये रहा फ्रंट व्हील में ABS एंड इधर रहा रियर व्हील में ABS। तो दोनों में ही आपको डबल डिस्क एंड डुअल ABS मिलते हैं। तो वही 160 सेगमेंट के हिसाब से भाई डुअल ABS मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी प्रोवाइड करती होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर रहा इसकी पल्सर की, मतलब काफ़ी 3D जैसी स्टिकरिंग मतलब बैजिंग दे रखी है। बाकी इसमें कहीं ऐसा 160 वाला कुछ मुझे दिख नहीं रहा जहाँ पे लिखा हो 160। एंड टेल सेक्शन की बात करें तो भाई इसका टेल सेक्शन जो है बड़ा ही प्यारा लगता है, मतलब एकदम काफ़ी शार्प सा दे रखा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मतलब इसमें कुछ गार्ड या ऐसा कुछ नहीं लगा रखा। पीछे का मड गार्ड बोल सकते हैं भाई ने निकाल रखा, जिससे पता चल रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं मड गार्ड भी निकला हुआ है। बाकी पीछे इसके मोनोसॉक सस्पेंशन आते हैं, वो देखिए मोनोसॉक सस्पेंशन इसमें आपके लगे हुए हैं। एंड इंडिकेटर इसके प्रॉपर फुल चेंज है, इसमें LED इंडिकेटर लगे, मैं आपको एक बार जला के दिखा दूंगा। एंड इसमें आपको मिलती है स्प्लिट सीट जो, और सीट हाइट मतलब सीट की कुशनिंग भी अच्छी काफ़ी, मैं बैठ के भी देखा थोड़ी सी मैंने भी चलाई है, आपको एक बार मैं चला के भी दिखा दूंगा कि कैसी है ओवरऑल ही चलने में। एंड कुछ इस तरह का भाई इसका इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है, ऑन करके आपको दिखाता हूँ मैं, तो ऐसा है कुछ। तो भाई ये जानते हो जैसे आपको भाई बड़ा पसंद है ऐसा कांटे वाला मीटर, बड़ा सही लगता है। एंड पता नहीं इसमें ऐसा विजिबल वाला सीन है कि नहीं, इसे बजाज ज़्यादातर रहती है अपनी गाड़ियों में। तो इंडिकेटर से भी प्रॉपर अभी ऑन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से चलते हैं। तो ये देखिए, तो इसमें ऐसा कुछ हज़ार टाइप का सिस्टम लगा हुआ है लग रहा है मुझे, ये देखिए कुछ ऐसा चलता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट है। एंड बैक से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड गाड़ी कोई गियर पर नहीं है, फर्स्ट गियर एंड इंडिकेटर आपको स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ गाड़ी। तो गाड़ी के एग्जॉस्ट हो तो इसमें जो एग्जॉस्ट है वो एंड आपको एंडर वैली मिलता है, अलग से कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो ज़्यादा ही प्यारा एग्जॉस्ट है यार, मतलब इसका मतलब एग्जॉस्ट ऐसा है कि जब भी मैं हमेशा 2-3 बार राइड पर गया हूँ इस गाड़ी को लेकर, मतलब लेकर उनके साथ गई है, तो जब भी ये गाड़ी मेरे बगल से निकलती थी ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, मतलब उसकी वॉइस नोट सुन के एग्जॉस्ट नोट सुन के, मैंने जैसे अपने ब्लॉग में बोला भी है इससे पहले के। बाकी भाई ने इससे काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट लगता है मार रखी, कि आप टायर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा ख़त्म सा हो रहा है। तो ओवरऑल ये गाड़ी, एंड अब एक बार मैं गाड़ी को चला के भी दिखा देता हूँ उसमें आपको क्या क्या, मतलब आपको वैसे भी राइड रिव्यू भी मिल जाएगा कि गाड़ी बैठने में कैसी है, हैंडलिंग इसकी कैसी है, वो सब भी आपको थोड़ा पता चल जाएगा मेरे, मतलब मेरे चलाने से या मेरा जो भी एक्सपीरियंस निकलेगा जो मैं शेयर करूँगा आपसे बताऊँगा। तो बैठते हैं गाड़ी पे एंड गाड़ी का एक बार आपको मैं ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ कि कैसी है, तो कुछ इस तरह की है। गाड़ी तो कलर इसका बड़ा अच्छा लग रहा है यार मेरे को, ब्लैक कलर
भाई मेरा पर्सनल फेवरेट कलर होता है ब्लैक कलर भाई, तो मैंने तो नहीं ले पाया, मेरे पास तो ब्लू है, बट ये बड़ी अच्छी लग रही मेरे को ब्लैक कलर की। एंड इसका टैंक वाला भी बड़ा अच्छा है, 14 लीटर की कैप सिटी के साथ मिलता है। एंड हाँ एक और चीज़ इसमें आपको मिल जाता है, यहाँ पर यूजी चार्जिंग एंड हाई बताते बड़ा यूजफुल है, अच्छा चार्ज करता है यार ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, बाकी सब कुछ आपको दे रखा है, इसकी लाइट दिख रही है, आती है लिमिट भी दे रखा है, गेयर लीटर पर क्या है सब कुछ बता रहा है। तो चलिए गाड़ी चलाते हैं। सो फाइनली चलते हैं गाड़ी पे बैठते हैं एंड इसको आपका एक छोटा सा राइड रिव्यू लेके देखते कैसी है। तो ओवरऑल पहले पहले मैं गाड़ी पे बैठता हूँ, तो बैठने के बाद गाड़ी के सीट हाइट में कह सकता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे हल्के से जो नीज़ हैं हल्के से बेंड हो रहे, तो मतलब मेरी हाइट के हिसाब से तो भाई परफेक्ट है गाड़ी की हाइट। और वाह मतलब यार एग्जॉस्ट नोट काफ़ी प्यारा लगता है, लगाते हैं गियर पे एंड चलते हैं। वाह मतलब यार एग्जॉस्ट नोट की अगर मैं बात करूँ तो एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी ज़्यादा ही ये मतलब बेसी है और अच्छा साउंड करता है, मतलब 160 सेगमेंट के हिसाब से बेसी साउंड है, अच्छी लगती है मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है जब भी मेरे बगल से निकली या ऐसे भी सुनलाने में। एंड कंफर्ट की बात किया जाए तो कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इस पर मैं आराम से एकदम बैठा हूँ रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि मेरे को एग्रेसिव चलानी पड़ रही है। सीटिंग जो उसका सीटिंग का जो पोजिशन है काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आराम से मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं एंड बड़ी स्मूथ चल रही है यार, मतलब 160 सेगमेंट के हिसाब से जैसे पल्सर N160 ये अपनी है, NS भी है, अब NS के बाद ये 160 आ गई है N160, तो काफ़ी बेटर गाड़ी है ये भी। वाइजर बंद कर लेता हूँ, आपको विंड नॉइज़ आ रही होगी। तो भाई ने मतलब थोड़ी सी ये एक चीज़ का रखी, भाई ने इसमें साइड मिरर हटा दिए, तो वो नहीं हटाना चाहिए था यार, मतलब एज अ बाइकर आपको प्रॉपर सबको सेफ्टी के साथ चलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, बट वो तो अपना थोड़ा लुक के लिए होता है। तो ओवरऑल गाड़ी चलने में काफ़ी कंफर्टेबल है, चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल है एंड चलने में काफ़ी स्मूथ चल रही है, वॉइस नोट एग्जॉस्ट का बहुत ही प्यारा अच्छा आ रहा है। एंड थोड़ी सी अगर मैं इसको भगा के भी देखूँ तो पता चल जाएगा, एंड ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। एंड नेकेड गाड़ी में एक चीज़ और मेरे को अच्छी लगती है, और गाड़ी यार काफ़ी कह सकते हैं कि एक तरह से लाइट वेट भी है, इतनी हैवी नहीं है। तो इन सब गाड़ी पे मैं सैडलिंग भी कर सकता हूँ, तो ये भाई जो जा रहे हैं इन्हीं की गाड़ी है इसीलिए देखते हुए जा रहे थे, तो इन गाड़ी पे मतलब मैं खड़े होकर भी चला लूँगा। नेकेड गाड़ी पे यार मतलब खड़े होकर भी चलाओ तो ही मज़ा आता है, और थोड़ा भगा के भी देखते हैं तो काफ़ी मतलब मक्खन माफिक स्विंग करती यार, ये देखिए आप मतलब, एंड बैलेंसिंग देखिए गाड़ी की, क्या बैलेंसिंग है यार, मतलब मज़ेदार है यार। तो ओवरऑल गाड़ी जो है पैसा वसूल है, एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस मेरे को तो नहीं पता कि ये ऑन रोड कितने की मिलती है, बट जहाँ तक मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ तो ये मेरे को लगता है N160 आपको 150,000 मे बी समथिंग, जो भी होगा मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा इसका एग्जैक्ट, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना है, मैं उसको आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कि ऐसा ना हो कि मैं थोड़ी गलत चीज़ें बता दिया, कि जो चीज़ मेरे को पता हो वही बताना ज़्यादा बेस्ट रहता है, फालतू की चीज़ें नहीं बताना। तो गाड़ी को ऑफ़ करते हैं एंड लगाते हैं स्टैंड पे, एंड आपको एक बार ऐसे भी दिखा देता हूँ मैं कि गाड़ी कैसी लग रही है, काफ़ी कम्फर्टेबल है यार, बट गाड़ी जो भी कहो ये देखिए क्या ही शानदार लुक आता है यार। एक बार आपको हेडलाइट जला के दिखाता हूँ मैं इसकी, तो कुछ अरे यार अभी ऑन नहीं हो रही है, मतलब कुछ ऐसा सीन होगा मुझे लग रहा है। ओके तो ये हाई बीम लो बीम पे ऐसा सीन है, ओके तो ऐसा देखिए अभी ऑन हो रही है ऑफ हो जा रही है, कुछ होगा चार्ज से चलाने पे होगा या क्या सीन है ये तो मेरे को भी नहीं पता, बाकी तो पता चलेगा आ गई कि ऐसा क्या है। गाड़ी को ऑफ़ कर देता हूँ मैं, बैटरी नहीं किसी का फ्यूल नहीं खर्च करने का भाई, तो जो भी है यही है, देखिएगा कैसी लग रही है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा छोटा सा लिखा हुआ है ABS डुअल चैनल, काफ़ी अच्छी लग रही है यार, मतलब ब्लैक कलर में बहुत ही मस्त लगती है। इसका पीछे का टेल सेक्शन भी आप देखेंगे बड़ा ही प्यारा लगता है, खासकर अगर इसमें जब ब्रेक लगाते हैं, ये देखिए पता नहीं आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि यार ब्रेक कोई और लगाया तो तब मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो काफ़ी प्यारी है। तो ओवरऑल आपको मुझे यही बाइक दिखानी थी एंड बताइएगा कैसी लगी आपको बाइक, अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्यार बरसाए रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कुछ नहीं।